तो गाइस दोबारा से हम आ चुके हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर के अंदर, जिसमें माल पहुंचाना है मुझे। पता नहीं मैं कब की छोड़ी हुई गेम खेल रहा हूं। और माल बहुत है भी है, शायद इसी वजह से शायद ये ट्रक आगे बढ़ने को राजी नहीं है। यू कैन बहुत ही हैवी लग रहा है, तो क्यों नहीं बढ़ पा रहा तू? फाइनली उठा, काफी टाइम बाद खेल रहा हूं तो थोड़ा बहुत अंदाजे से बाहर है अभी ये गेम। चलो कुछ तो मूवमेंट दिखा इसने। तो मुझे इस गाड़ी को फॉलो करना है जो मुझे लेके जाएगी। ये शायद रेस्क्यू वैन है, एस्कॉर्ट व्हीकल। क्या कर रहा है? प्लीज वेट फॉर। इतनी मुश्किल से तो ये बड़ी थी आगे, इन्होंने फिर से रुकवा दी। अब मुझे इसी के साथ साथ निकलना पड़ेगा, ये जहाँ बोलेगी वहीं लेके जाना है। चेंजिंग लेन मैन्यूवर इज कमिंग, अडेप्ट योर स्पीड टू अवॉइड पॉसिबल क्रैश। ओके, ये मैंने मिशन शुरू से नहीं लगाया, पर शुरू से लगाता तो अच्छा रहता। लेकिन पता नहीं मैं कब मैंने खेलनी छोड़ी थी ये, तो बीच में से उठा दिया आज मैंने। मैं कहा चलो भाई आज यूरो ट्रक सिमुलेटर खेला जाए। अब ये माल कहाँ पे पहुँचाना है? वो मैं देख के बताऊंगा, एक मिनट। एक बार मैं बाहर से भी दिखाना, ये है कुछ सीन। और मुझे डर ये है कि मैं सामने वाली गाड़ी में टक्कर ना मार दूँ, इसी वजह से एस्कॉर्ट व्हीकल अपनी। ओह, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी लग रहा है। साठ से आगे नहीं बढ़ा सकता। टोटल 12 गियर हैं इस ट्रक में जिसको मैं चला रहा हूँ, और रात का वक्त है इस वजह से थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, अच्छी भी नहीं लग रही इतनी ज़्यादा ये ग्राफिक्स। और मैं इसे ऑफलाइन इसीलिए खेल रहा हूँ ताकि ग्राफिक्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगे और मैं स्पीड पार करता हुआ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए इस वक्त में। लिमिट 60 की है तो 60 पे ही चलना है, और ऐसी ही एक एस्कॉर्ट व्हीकल मेरे पीछे चल रही है। अगर मैं दिखा पाया तो दिखाऊंगा ज़रूर किस तरीके से दिखाना है, पर ये ऐसे ऐसे दिखा पाऊंगा। ऐसे वो पीछे चल रही है, ये देख रहे हो वो रही पीछे, वो चल रही पीछे। पता नहीं लेके क्या जा रहा हूं मैं, यही नहीं पता। ये गटर का बहुत बड़ा सा ये पाइप कह सकते हो इसे, इससे पहले कि मैं ठोक दूं अंदर ही बैठ जाता हूं। हॉर्न भी है, इंडिकेटर मेरे, हाँ सही है, याद है बटन अभी भी। गाड़ी स्लो चल रही है क्योंकि आगे वाली गाड़ी को फॉलो करना है मुझे, पीछे वाली गाड़ी मेरी स्पीड को फॉलो कर रही है, मुझे इसको फॉलो करना है। तो इस तरीके से चलना है इसमें। और पहुंचाना कहाँ है मैं एक बार दिखा देता हूँ, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। ब्रूनो जाना है, ब्रूनो लिन से चला था मैं,
और एक कौन सा देश है? कोई ऑप्शन नहीं है पता लगाने का फिलहाल के लिए यूरोप में ही घूम रहे हैं, पर फिर भी देखा नहीं क्योंकि मैंने बहुत पहले खेला था ये मैं गेम। फिलहाल के लिए एक और नई गेम आई है कुछ ओपन करके, ओपन वो भी ट्रक की गेम है कुछ, याद नाम याद नहीं है, पर वो इसी तरीके की आई है। तो उससे मुझे याद आया कि यार यूरो ट्रक सिमुलेटर तो हमने भी खरीद रखी है और सेम एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती है। अगर मुझे वैसे नाम याद नहीं है पर मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, ये देख रहे हो, इससे मुझे डिस्टेंस बना के चलना है वरना मैं इसी को ठोक दूंगा। क्या कर रही है ये गाड़ी, क्या कर रही है, इतनी कम स्पीड कर दी उसने। और चलते चलते दिन भी हो गया है, चलो अच्छी बात है क्योंकि ये गेम रात में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी दिन के वक्त में अच्छी लगती है, क्योंकि जो ग्रीनरी है इसमें वो देखने का मौका तो मिलता है एटलीस्ट। और मैं तो यही कहूँगा जिसको भी ओपन वर्ल्ड की गेम पसंद है तो मेरे हिसाब से ये गेम और GTA 5 भी बेस्ट है, पर ये गेम मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसकी क्वालिटी उससे थोड़ी सी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, उसमें भी है अच्छा, पर ठीक है वो अलग टाइप की गेम है, ये अलग टाइप की, ये सिमुलेटर के मामले में ये बेस्ट है। मैं काफ़ी टाइम से यही खेल रहा हूँ गेम, अगर गेम की बात करूँ तो, और काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ तो शायद अब मुझे पार्किंग में भी मुश्किल आएगी आगे चल के, पर मुझे ये सिस्टम पसंद नहीं आया, ये जो स्पीड नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि इसे भी स्पीड बढ़ानी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए इसे, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, पसंद नहीं आया मामला। ये एक और है बेसिकली, ये मेरी मदद कर रहे हैं इस माल को अपनी लोकेशन तक पहुंचाने में, और कोई भी दिक्कत आती है बाहर के वक्त, बाहर का जो मतलब मामला होता है जहाँ पे ट्रक चलते हैं, जब बड़ा माल लेके जाते हैं तो इसी तरीके से वो चलते हैं, क्योंकि कई बार रोड छोटे हो जाते हैं तो इसमें से बंदे निकल के कुछ करते हैं सेटिंग वगैरह कि किस तरीके से निकलेगी। पुलिस भी खड़ी है, ये तो इंडियन पुलिस पेट्रोलिंग कार लग रही है, और ये साइड वाला ट्रक भी जगह नहीं दे रहा है, और मेरी 63 पे ये कम करवाएगा मेरी स्पीड। बिल्कुल रूल फॉलो करते हुए चल रहा है वो। ये आ गया, अब बाहर से शायद दिखा पाऊं। ओ शिट 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 शिट, ये तो खुद ही ठोकने वाला था, ये तो खुद ही इसी को ठोकने वाला था। या तो तू निकल जाए या मुझे निकलने दे, ड्रामे मत कर, ये खुद ही पंगे ले रहा है, खुद ही पंगे ले रहा है, इडियट। AI भी सही से काम नहीं कर रही। सामने वाला मेरे जो चल रहा है वो भी ठोकने वाला था इसी को, बेवकूफ कहीं का सबसे ज्यादा बेवकूफ ऐसे यही था जो साइड में गाड़ी चला रहा था, डिजर्व करता था ठुकना। और ट्रक वाले से बचना चाहिए जबकि वो घुसेड़ रहा है ट्रक में, बहुत अच्छे। इंडिया में होता, अगर इंडियन स्टाइल में बनाता कोई, इंडियन ये गेम डिजाइन करता तो वो साफ साफ कहता भाई ट्रक से बचो ट्रक से बचो, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो सीन नहीं है। फिलहाल के लिए मैंने उसे ठोका लेकिन कोई चालान नहीं कटा, क्योंकि पुलिस के पास में ही ठोकी है मैंने और चालान नहीं कटा, मतलब ठीक है ये भी AI मेरे फ़ायदे में निकली, हालांकि देख सकता हूँ मैं चालान कटा नहीं कटा, शायद नहीं कटा।
और ये गेम खेलते वक्त में ज़्यादा बात करूँ तो ही ठीक है, वरना देखने वालों को बोर भी लग सकती है। इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत बात भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। अगर मैं क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता तो बात ही अलग होती, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में सामने कमेंट आ रही होती है मुझे और मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें कमेंट नहीं आती। इस वजह से ये गेम जब तक चल रही है तब तक अपने मन से जो भी बात आ रही है वही बोलनी पड़ रही है। और लाइव स्ट्रीम करने का रीज़न भी नहीं है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, फिलहाल के लिए दिन हो गया, बत्ती बंद कर देनी। नहीं यार अभी तो 6 भी नहीं बजे, संडे के 5:40 हो रहे हैं। हाँ तो लाइव स्ट्रीम करने ना करने का एक और रीज़न है इस गेम के साथ में पर्टिकुलरली, कि क्वालिटी करवा दिया इसने, डैमेज करवा दिया 1%, जो चाहता नहीं था वही हो गया। हाँ तो मैं कह रहा था लाइव स्ट्रीम करने का ना करने का रीज़न यही है कि इस गेम की जो क्वालिटी है वो बहुत वेना में पहुंच गए, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में मुझे पता है एक गेम मूविंग गेम है, कार चला रहा हूँ, गाड़ी ट्रक चला रहा हूँ इसमें बेसिकली, तो उसको चलाते वक्त में जो बिटरेट होगा यूट्यूब के हिसाब से वो इस गेम के साथ में जस्टिस नहीं करेगा, क्वालिटी गिर जाएगी। इस वजह से ज़्यादातर लोग इसकी लाइव स्ट्रीम ना करने की बजाय इसको खेल के रिकॉर्ड करके फिर डालते हैं, ताकि सब सही रहे, देखने में भी अच्छी लगे और सभी अच्छी लगे। मेरे लिए कोई रेड लाइट नहीं है, मेरे लिए कोई रेड लाइट नहीं है क्या? आई थिंक मुझे रुकना तो पड़ेगा ही, और मेरे पीछे वाला ट्रक वो रही, हाँ जिस गाड़ी को ठोका था वो बिल्कुल बीच में आके लग गई है मेरे ट्रक के साथ में ही, बेवकूफ ड्राइवर। ना वो आगे निकल रहा है, ना वो मेरे पीछे वाली जो वैन है उसको स्पेस दे रहा है, और ये जो डैमेज हुआ होगा ये उसी की वजह से होगा, क्योंकि जब मैंने डिस्क ब्रेक मारी थी तो आगे वाली में तो नहीं लगी, मेरे हिसाब से पीछे वाले ने ठोक दिया। बिल्कुल इंडियन पेट्रोलिंग कार के जैसे कार खड़ी है, यहाँ की लिमिट 50 है। एक और रेड लाइट आती, इस रेड लाइट पे भी मुझे ही रुकना पड़ेगा, ये तो निकल जाएगा। अगर अगर मैं ना रुकूँ तो, अगर मैं ना रुकूँ कुछ भी नहीं हुआ, कोई चालान नहीं कटा, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी तब भी। हाँ ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है ये अच्छा है फाइनली कुछ तो मेरे फेवर में जा रहा है। 50 की स्पीड इस रोड पे, अच्छा जी वो चेंज करने वाला है लाइन। इंडिकेटर तो दे रहा है चेंज करने के लिए, बट चेंज नहीं कर रहा वो, क्यों क्यों नहीं कर रहा? कर यार कर, क्या धोखेबाजी में रख रहा है ये, मुझे करनी है क्या? कतई बेवकूफ है तो, निकल। मुझे नहीं पता पीछे कौन ठुकेगा कौन नहीं ठुकेगा, ये मेरा
जो मुझे एस्कॉर्ट कर रहा है मैं उसी में ठोकने वाला हूँ लग रहा है। छोड़ दूंगा इसे। यू हैव डैमेज एस्कॉर्ट व्हीकल, लो द चेक पॉइंट। ठीक है, ये तो अभी भी नहीं बाहर जा रहा। मैं निकल जाता हूँ इसे छोड़ के। अगेन वही सीन हो गया। वो आगे को निकलने को भी राजी नहीं है। हाँ जगह है, जगह जगह। निकला निकला बेवकूफ, आगे निकला। कुछ नहीं समझ आ रही है क्या करना चाह रहा है। इंडिकेटर दे के भी इसने नहीं मोड़ा, कमाल है। कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें प्रोमोड डाल दूँ और तरह तरह के मोड डाल के इसको खेलूँ, ताकि ये तो माल कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत हल्का माल लेके जा रहा हूँ, लेकिन खेलते 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 आ ही जाएगा कैसे माल पहुँचाना होता है, कैसे पार्किंग करनी होती है। वो सब पहले आता था लेकिन अब भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। शायद ना लगे। ये फोन मिला रहा कि माल यहाँ तक पहुँच गया है। कैबिन की सेटिंग भी करने का ऑप्शन होता तो बढ़िया होता। मैं स्टीयरिंग के बहुत ही पास फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे इसे दूर करना था, पर फिर भी लैंड चेंज करने का मेन्यू बड़ा हो गया। 60 की स्पीड है, कुछ तो फ़ायदा होगा। रात से बारिश हो रही है इसमें। ये फिर से इंडिकेटर दे रहा है। इससे मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना होगा, बेसिकली शायद ये गेम यही बात कर रही है। जिसने भी यहाँ तक देखा होगा, इतना देखा होगा तो वो समझ गया होगा कुछ तो खाया मैंने। तो बताया तो मैंने सेब खाया भी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता तो लोग पूछते ज़रूर, भाई क्या खा रहे हो। मेरा कुत्ता भी सही गलत गलत टाइम पे ही आ जाता है। अरे नहीं है यार, कुछ यहाँ से देखना, देख ये गाड़ी इधर से निकल रही है। अच्छा वन वे है। सामने से जो गाड़ी आ रही थी ये थोड़ा सा उसके लेफ्ट में चला गया, ताकि उसको स्लो कर पाए कि स्लो कर ले बेटे, गाड़ी आ रही है बड़ी वाली, ये देखो ये देखो ये देखो, ये अब क्या करेगा। किया ना इसने, उसको दबा दिया थोड़ा साइड में कि थोड़ा चल जगह दे इसे, बड़ा माल जा रहा है। अच्छा है, अच्छा है।
कब तक होगी ये बारिश? इसको भी दबाएगा, इसको भी दबाएगा। डैमेज, एक और डैमेज। कोई नहीं, पहला दिन है मेरा, इतना डैमेज सह सकते हैं। पहला दिन है मेरे कमबैक का यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 में, तो इतना सहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दबा दे इसे भी। बहुत बढ़िया, ये अच्छी चीज हो रही है। ये ऑरन मुझे पसंद नहीं आया। पीछे वाला क्या कर रहा है वैसे? काश पीछे वाले को देख पाता मैं। कैसे देखूं? हाँ, पीछे वाली वैन, जैसे मुझे लगा कि मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, मैंने सही टाइम पे कैबिन में आने का डिसीजन लिया। पीछे वाली वैन क्या कर रही है मुझे ये देखना है। पीछे वाली वैन बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस रख के चल रही है आगे वाली के कंपैरिजन में। साठ की स्पीड है पर कोई यूज नहीं है उसका। क्योंकि सामने वाला मुझे 60 पे भी जाने नहीं दे रहा। अगर मैं अपने तरीके से चला रहा होता इसे अब तक, मैं 120, 150 ऐसे भगा रहा होता इसे। ये फिर से उसको दबाता हुआ। अच्छा है ये, मुझे पहले ही इंडिकेशन दे देता है और सामने वालों को दे देता है कि बड़ा माल आ रहा है। डैमेज, ये डैमेज क्यों और किस खुशी में मिला है मुझे वैसे कोई आइडिया नहीं। शायद शायद स्पीड यहाँ पे 80 की लिमिट लग रही है। पीछे लिखा हुआ आया था 80, वो शायद टू हल्की कारों की होगी। मेरे लिए नहीं है वो, मेरे लिए रेड लाइट कोई नहीं है। जब तक मेरी आगे वाली वैन मुझे कह रही है कि भागो, तब तक मुझे कोई रेड लाइट की परवाह नहीं है। पर ये बारिश क्यों नहीं रुक रही? एक मिनट, आई थिंक गेम प्ले में रेन पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। किधर है रेन पॉसिबिलिटी? रेन प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी तो नहीं खैर, पर वो भी नहीं है। ये रही प्रोबेबिलिटी, हाँ कम कर देता हूँ, इतना रखता हूँ बहुत है। मतलब ऐसे लग रहा है वर्षावन से निकल रहा हूँ मैं। रेन फॉरेस्ट से निकलने में भी इतनी बारिश नहीं होती जितनी इसमें दिखाई गई है। खत्म करो यार बारिश, अब तो जगह भी आ गई जहां पहुंचाना है माल। पूरे रास्ते बारिश ही आती रही है, वर्षा वनों से निकला हूं मैं। कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा दोस्तों, धीरे 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 सीखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है इस गेम को मैं अब और भी ज़्यादा खेलने वाला हूँ, क्योंकि
जो नई गेम आई है एक और ट्रक की, उसने मुझे इसकी याद दिलाई और मैं पहुंच गया सीधा अपनी पबजी, ओ यूरो ट्रक सिमुलेटर में। कहाँ ठोका मैंने, समझ गया। कोई नहीं, छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती हैं। और वैसे भी पहली बार इतना हैवी माल और सामने एक से गाड़ी। और चिंता मत करो, पार्किंग पे मैं खुद लगाऊंगा इसे। और इतना ज़रूर है कि यहाँ पे डैमेज मैंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है। ये भी खुश नहीं होंगे जिनको मैं ये माल दूंगा। शायद ऐसे ही लगाना है। पहुंच गया जगह पे। सेटिस्फैक्टरी। डैमेज कुछ ज्यादा ही कर दिया, फिर भी जैसे कि मेरा लेवल देखने से ही आपको पता लगता है कि अभी मैं इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हुआ हूं, लेकिन जल्द आने वाले टाइम पे जरूर होऊंगा और एक और गेम खेलेंगे फिर कभी, यूरो ट्रक सिमुलेटर की। देखेंगे अब आगे, मैं इसमें थोड़े बहुत मॉड डाल के खेलूंगा। तो फिलहाल के लिए जितना भी नहीं भी अभी देखा हो तो ये गेम थी यूरो ट्रक सिमुलेटर 2, और जिसको भी पसंद आई हो वो ये गेम खरीद सकता है स्टीम से, और इसी के साथ साथ अपने भी गेम प्ले डाल सकता है जिस तरीके से मैंने डाला। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ मैं।